हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हाउस को स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। पिछले वीडियो पे मैंने ये कटिंग करके दिखाया था, आज ये स्टिचिंग दिखाऊंगी। और उसके पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलें, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये कॉलर तैयार कर लूँगी। मेरे पास फेब्रिक कम था इसलिए ये जो कॉलर है इसको बीच में से जॉइंट लगाना है। आपके पास अगर ज़्यादा फैब्रिक होता है तो बीच में जॉइंट नहीं लगाना है। मेरे पास कम था इसलिए मैं इस पर जॉइंट लगा रही हूँ। इसको मैं अलग अलग करके जॉइंट लगाऊंगी। दोनों पार्ट को पहले अलग कर लेना है, उसके बाद इसको जॉइंट करना है। देखिए, तो इस तरह से मैं इसको अलग अलग सिलाई लगा दूंगी। तो ये कॉलर को मैंने बीच में से ज्वाइन कर लिया। अभी इसके साथ मैं कैनवास लगाऊंगी। ये जो कैनवास है मैं सेम बराबर से काट लिया है। आप चाहो तो ये कैनवास यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बिना कैनवास से नॉर्मल फैब्रिक से ये स्टिच कर सकते हो, फिर भी आपका कॉलर परफेक्ट होगा। अब ये जो कैनवास है, आप चाहो तो पहले इसके साथ आयरन कर सकते हो, अगर बिना आयरन से करने से भी कुछ नहीं होगा। अभी ये जो कैनवास है, कैनवास के ऊपर ये फैब्रिक को, कलर को इस तरह से रखना है। ये है ऑन साइड और ये है ऑफ साइड। अभी सेम इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखना है, ये ऑन साइड और ये ऑफ साइड। इसको भी सेम इसी तरह से बराबर से मिला के लेना है। तो अभी बिल्कुल बराबर मिला के इसको इस तरह से बराबर मिलाना है। मिला के मैं इसको सिलाई लगा दूंगी यहां से। अब इसको इस तरह से पलटना है ऐसे करके। इस तरह से। तो अभी इसमें क्या करना है, यहां से और एक सिलाई लगाना है, बिल्कुल बारीकी से लगाना है। अभी बिल्कुल मिडल में से काट लगाना है यहाँ से, या पॉइंट लगा के रखना है। इसका पहले से मिडल में से जॉइंट है।
तो अभी है ऊपर का पार्ट, टॉप पार्ट है ये, तो इसको पहले शोल्डर ज्वाइन करना है फ्रंट और बैक दोनों साइड का। इस तरह से तो अभी इसमें से कॉलर लगाना है, तो इसका बिल्कुल मिडल में से पहले थोड़ा काट लगाना है, बिल्कुल मिडल में से लेना है यहाँ से। अभी इसको सिलाई लगाना है। अब चाहो तो अंदर की साइड से भी ये सिल सकते हो या बाहर की साइड से भी सिल सकते हो। तो ये है ऊपर का पार्ट, इसको इस तरह से रखा, ये ऑफ साइड है, मैं ऑफ साइड से इसको लगा के बाहर की तरफ लेके आऊंगी। तो ये इसका मिडल है, बिल्कुल मिला के लेना है इस तरह से। ये जो जॉइंट है इसको हल्के से इस तरह से घुमा के देना है, देने के बाद इसको ऐसे घुमा देना है। बिल्कुल बराबर होना है। ये हो गया। अभी अभी दूसरी साइड भी सेम तरीके से सिल लेना है। अभी यहां से मैं सिलाई लगाऊंगी दोबारा से। अभी यहां पे जॉइंट है तो हल्के से इसको घुमाना है इस तरफ। अभी ये जो पार्ट है यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने ऊपर से सिलाई लगा था इसको यहाँ तक छोड़ देना है, बिना सिलाई किया हुआ है इसको बाद में सिलना है। तो इसको इस तरह से अंदर की तरफ लेना है, फिर इसको मिलाते हुए ऐसे सिलाई लगाना है। यहाँ से मैं ये सिलाई लगाऊंगी। अभी ये जो जॉइंट है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे हल्का सा काट लगाना है।
अभी ये दूसरा जॉइंट है, यहाँ से भी और एक काट लगाना है। तो ये देखिए, ये है अंदर की साइड और ये है बाहर की साइड, इस तरह से मिला के लेना है। तो ये है कॉलर। तो अभी ये देखिए ये किस तरह से रहेगा, ये बिल्कुल ऐसे रहेगा, फोल्ड होगा इस तरह से। तो इस तरह से आएगा ये कॉलर। तो पहनने के बाद ये ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अभी इसके साथ स्लीव्स ज्वाइंट करना है। स्लीव्स मैं यहाँ से लगाऊंगी, बिल्कुल मिडल में से लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ से मैं पहले सिलाई लगा दिया। अभी यहां से दोबारा से उस तरफ जाना है। ये देखिए स्लीव्स छोटा नहीं हुआ है, इतना ज्यादा हुआ है। मैंने कटिंग करते वक्त बोला था मैं ज्यादा ले रही हूँ, क्योंकि बाद में कम होने से प्रॉब्लम होता है, लेकिन ज्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी दूसरी स्लीव जिप सेम तरीके से स्टिच कर लेना है। तो अभी इसमें से डार्ट लगाना, तो डार्ट कहाँ से लगाना है, मैं यहाँ से इस साइड से यहाँ तक आऊंगी 6 इंच 6 इंच, आप 5 इंच पे भी लगा सकते हो। तो मैं 6 इंच पे ये लगाऊंगी, फिर ऊपर की तरफ 3.5 से 4.5 आप ये उठा सकते हो इस तरह से। फिर यहाँ से लगभग 1.25 का डार्ट लगाना है, ज्यादा नहीं देना है इस तरह से। तो अभी इसको बिल्कुल मिलाते हुए काट लगाना है। बैक साइड पे भी देना है सेम। तो अभी ये है ऊपर का बैक साइड और ये है नीचे का जो बॉटम पार्ट था इसका बैक साइड का पार्ट। तो अभी इसको दोनों को इस तरह से मिलाना है, फिर यहाँ से सीधा सिलाई लगाना है।
ये हो गया बैक साइड, अभी फ्रंट साइड। अभी है फ्रंट, जो नीचे का बॉटम पार्ट था, ये सीधी साइड है, और ये जो साइड के लिए मैंने तिरछा करके काट किया था वो साइड। तो अभी इसमें से क्या करना है मुझे, और एक पट्टी लगाना है, सीधी पट्टी यहां से लगाऊंगी मैं। तो अभी ये है फ्रंट पार्ट, ऐसे फोल्ड कर देना है। देने के बाद इसको इस तरह से रखना है बिल्कुल मिला के। तो अभी इसको ऐसे पलट देना है, ऐसे पलटने के बाद आपको यहाँ से सिलाई लगाना है। ऐसे रहेगा ये। ये इस तरह से आएगा। तो अब इसको क्या करना है, ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ऐसे। तो इसको मैं यहां से लगाऊंगी। ये देखिए, अभी दूसरी साइड भी सेम तरीके से सिलाई लगाना है। ये अंदर की साइड है। तो यह तैयार हो गया। अभी इसके लिए डोरी बनाना है। ये सीधी डोरी बनाऊंगी मैं। इस तरह से चार डोरी सिलना है। तो अभी ये जो डोरी है ये कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे एक डोरी लगाना है और यहाँ पे एक डोरी लगाना है। मैं इस तरह से लगाऊंगी, अंदर की साइड से यहाँ पे एक लगाऊंगी और अंदर की साइड से यहाँ पे एक लगाऊंगी, दो डोरी। अभी यहाँ पे एक सिलना है, इसको इस तरफ रखना है ऐसे, फिर यहाँ से लगाना है। ये हो गया इस साइड का। अभी इस साइड पर लगाना है। अभी यहां से एक लगाना है, बिल्कुल यहां से लगाऊंगी मैं। ये लगा दिया। अभी इसे फिटिंग्स देना है, बिल्कुल यहां से मैं लगाऊंगी सीधी करके, पूरा ये सिलाई लगा लेना है।
अभी देखिए ये बांधने वाला डोरी कहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है और दूसरा यहाँ पे लगाना है, दोनों कॉलर के जो नीचे है, और एक यहाँ से लगाना है, यहाँ पे जो जॉइंट है बिल्कुल यहाँ पे लगाना है। अंदर की साइड से इसको इस तरह से अंदर की साइड से इसको स्टिच कर देना है। तो और एक ये जो दूसरा जॉइंट है यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे जो फिटिंग्स का जॉइंट है वहीं पे ये लगाना है। ये भी सेम जहाँ पे ये फिटिंग्स का सिलाई दिया था मैंने उसके बिल्कुल बीच में से ये लगाना है। तो ये है सबसे नीचे का पार्ट। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर सकते हो या कोई भी नीचे डिजाइन कर सकते हो। और एक बात बता दूं, मैं शायद पिछले वीडियो पे बोला नहीं था, जिनका हाइट ज्यादा है वो जो नीचे का पार्ट है ये ज्यादा लेना है, उनको हाइट के हिसाब से लेना है। ये मैंने 31.5 इंच लिया था, ये जिन लोगों का 5 फुट तक हाइट है उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जिन लोगों का उससे ज्यादा है तो उन लोगों का छोटा हो जाएगा लेंथ, जो टोटल जो लेंथ है वो छोटा हो जाएगा। इसलिए नीचे का जो पार्ट है ये मिनिमम आपको 35 से 37 लेना है नीचे का पार्ट, जिन लोगों का हाइट ज्यादा है। ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, और ये जो नीचे का साइड है मैंने इस पे इस तरह का प्लेट डाल दिया तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने पहला जो लेंथ वो 2 इंच कम लिया था, क्योंकि मुझे नीचे की साइड से इस तरह का प्लेट देना था। ये देखिए यहाँ पे डोरी बांध दिया, फिर यहाँ पे इसको बांधना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको हाउस कोट के बारे में अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।